देखिए इन्होंने चुन चुन के उन लोगों को लिया है जिनको इन्होंने खाना कभी भी नहीं बनाया। इन्होंने सैलेड और स्मूदी के अलावा कुछ बनाया नहीं। प्रोमो देखे ना आपने कि भिंडी मंगाई, क्या लेके आ रही है? भिंडी मंगाई थी, बीन्स लेकर आ गई, कहती है भिंडी है। तो आप समझ सकते हो कि ये फिर लिट्टी चोखा कैसे बनाएंगी। मैंने नहीं बनाया, मैंने खाया ही नहीं, तो जब खाया नहीं तो कैसे बनाएंगी। तो लेकिन इट्स लॉट ऑफ फन, बहुत मजा आ रहा है, आप देखेंगे उसका फन बहुत नेचुरल निकल गया। जो खाना टेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत फन आ रहा है। हाँ, उनका क्योंकि तो ये शूट के बाद 3 दिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे कई प्रकार की लिट्टी चोखे खाए, कोई मोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी, बस जब इनके वाले मैं स्टेशन पे जाती हूँ ना तो बहुत डर लगता है। सच में ये जहर भी सजाती साथ में, वो होते ना जहर के पौधे, वो भी सजाए थे भाई चटनी लगा के। ये ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन नहीं टोटका बनाया हो किसी। जादू का टोटका नहीं होता जिसको खा के चुड़ैल आ जाती है। जसपाल जी के लिए किया है। हरपाल जी, हरपाल जी मुझे अभी बीन्स पता है क्या है, उनके लिए तो गार्डन ही है ना। वहाँ पे फ्रोजन पीज मिलते हैं और फ्रोजन पीज तो हमने फ्रोजन पीज ही होते हैं मटर, और उसके ऊपर वो वैसा वाला वो तस्वीर होती है उसकी जो बीन्स जैसे लगे मुझे। और मैं कोई लोकल वाला मार्केट में नहीं जाती ना, चार बंगला मार्केट में जाती ना, ये जाते हैं शॉपिंग करने, हमारे जयश्री सुप्रिया लेके आते हैं और निकाल के। जयश्री और सुप्रिया उनके घर में होते हैं। अब आप पूछोगे कौन? हाँ वो ही जो खाना बनाते घर पे, पहले कुक्स के लिए नहीं, पहले तो मम्मी और बहनों के लिए बड़ी है। बहनों के लिए कि जब घर पे आते हैं कभी आरती बुलाती है कि आज मैं ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, तो अब पता चलता है जो पालक पनीर खा के हम बोलते हैं ना अरे यार जल्दी, अब पता चले कि 2 घंटे उसने पालक पिसा होगा या, और कोई कह दे खा करके थोड़ा कच्चा लग रहा है तो क्या बीती है, तो मारने का मन करेगा। कोई मिस नहीं कर रहा, बाजू में रहती है वो मेरे। शादी करके अगर ऐसा होता ना कि बाहर चले जाते हैं, वो जूहू पे घर लिया है उसने, आज शाम को पैकअप करके भारती को मिस करते हैं। दूसरी बहन है मेरी भारती, इसको मिस करते हैं हम लोग, ये ज्यादा बिजी रहती है। हाँ। लेकिन आरती इज वेरी हैप्पी। जोया कुछ पूछ रही है, गली बॉय की जोया। भारती जी गोला के लिए क्या कुछ बनाने के लिए सीख रही हो आप? मैं सच्ची बोलूं कि जब मैं मतलब जब मैं माँ नहीं बनी थी तब तो चलो खुद ही बनाती थी, लेकिन जब माँ बनी हूँ ना तो मैंने एक अपने आप से वादा किया है कि हर हफ्ते मैं एक अलग डिश सीखूंगी जो बच्चे खाते, जैसे नूडल्स ब्रेड केक, तो मैं ये अच्छे वाले सीखूंगी जो मैं घर में बनाऊं और वो खा सके। और हमको एक ही डिश खिलाती 2 पेटेंट भारती का, कृष्णा आ जाओ, काली दाल और मटन है बना है, दाल मखनी। हाँ जी गाइस, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हेल्दी फूड क्या बनाने वाली है आप? यस, हेल्दी फूड बनाने ही नहीं देते, बनाने नहीं देते। सैलेड बोला ना, स्मूदी बोला ना, जुकीनी का कुछ बोला ना, आर्टिचोक बोला ना, ओखरा बोला। ओह ये नाम सुने आपने, आर्टिचोक ओखरा? नहीं मैंने पोखरा सुना है, हमको तो ये मुंबई का छोकरा टोकरा ही सुना है सिर्फ। मैंने खुद बनाए वो राइस के नूडल है तो वो हेल्दी ही है, क्योंकि मैं बाहर से नहीं लाती जिसमें पाम ऑयल ये वो सब होता है, मैंने सब चीजें पढ़ी, क्योंकि अपने बच्चे के लिए तो आप सब कर सकते।